ये हमारी DDML है, टू पार्ट में आती है, एक ये इसका सी टाइप का पार्ट होता है, ये एल टाइप का पार्ट होता है। इसको एल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये शेप जो है एल टाइप होता है, और इसका ये शेप सी टाइप होता है, इसको सी टाइप इसलिए बोलते हैं। ये जो सी टाइप वाली प्लेट होती है, इसको हम लॉक बॉडी के नीचे लगाते हैं यहाँ इस साइड में, ताकि जो हमारा जैम होता है डबल डोर में, उसको कवर करने के लिए। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा डबल डोर है, इसमें ये मेरा जैम बना हुआ है, ये मेरा जैम बना हुआ है, और मैं अगर इसको लॉक बॉडी को इसके साथ इंसर्ट करूँगा, मैंने पहले से कैविटी काटी हुई है, इंसर्ट मैं कर दूँ इसके साथ में, तो मेरी लॉक बॉडी यहाँ तक चली जाएगी, तो ये मेरी लैच उस डोर में काम नहीं करेगी। इसके लिए हमने ये डबल डोर बनाया है, और डबल डोर को हम इसके साथ यहाँ लगाएंगे, ताकि ये जो फ्रंट प्लेट है इसकी, इसके लेबल में आ जाएगी, और हम इसका हम स्क्रू टाइट कर देते हैं इसका। ये टाइट कर दिया, हमारा ये टाइट हो गया। उसके बाद हमें लॉक बॉडी के अंदर सिलेंडर डालना है, ये मेरी वन साइड जो सी टाइप की प्लेट है वो वाली मेरी फिट हो गई। अब मैं आपको ये एल टाइप की दिखाता हूँ, आइए जी। एल टाइप का मेरे पट्टी है जो मुझे यहाँ फिट करनी है, जो उसके अकॉर्डिंग जहाँ वो अलाइन करे उसको, उसका डेड बोल्ट और लैच अलाइन करे, उसका ये कट मार उसको मुझे इसके अकॉर्डिंग फिट करना है, कि मेरा डेड बोल्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, लैच इसके अंदर इंसर्ट हो जाए।